एक शीट मिली है, शीट नंबर 64। जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो शीट नंबर 64 का प्रिंट आउट लें प्लीज। 64 बहुत इंपॉर्टेंट शीट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आएगा तो इस शीट के बेस पे आना चाहिए, मेरे को लगता है ये वाली और नेक्स्ट शीट, मतलब ऑब्जेक्टिव तो क्लियर कर ही जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, करना चाहिए, इसी में से आना चाहिए दोनों शीट्स में से। देखो तो इसके अंदर सबसे पहले ये ना कौन सा केस है, ये वो केस है जिसमें आपको ना एक सेक्टर के फॉर्म में चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। जैसे मान लो ये एक रीजन है जहां पर ना मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, बस हर जगह मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सिर्फ इस रीजन में प्रेजेंट है, ना इधर है ना इधर है। तो पहले तो करेक्शन कर लो, आपकी शीट में सिर्फ यहां मैग्नेटिक फील्ड है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। तो ये जो क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ये वाला और ये वाला, इनको पहले काट लो, ये नहीं है इसमें, इनको प्लीज हटाओ, ये नहीं है, गलती से बन गया। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस रीजन में है, बस यहां पे है। तो उसको फ्लूइड लगा लेना घर जाके ना, इसके ऊपर फ्लूइड पेन लगा लेना। अच्छा रखे हुए आपने, बहुत समझदार है सारे यार। देखो देखो आगे देखो प्लीज।
मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन अ सेक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब ध्यान से देखना प्लीज मैं क्या करने जा रहा हूं। तो इसके अंदर मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस रीजन में प्रेजेंट है, यहां देख रहे हो। अब सपोज करो एक चार्ज पार्टिकल क्यू इस रीजन में स्ट्रेट एंटर करता है, सीधा एंटर करता है विद अ वेलोसिटी ऑफ सपोज यू वेक्टर, मान लो ठीक यू, वो सीधा ही मूव कर रहा था, पर जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, मैग्नेटिक फील्ड के साथ वेलोसिटी ने एंगल बोलो क्या बनाया 90, तो बोलो कैसे मूव करेगा इसमें, इन अ सर्कल, वी और बी में अगर एंगल 90 है तो सर्कल, तो देखो उसने अपना सर्कल बनाना शुरू कर दिया, सर्कल बना ही रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया। अब अगर होता मैग्नेटिक फील्ड तो पूरा सेमी सर्कल बना के बाहर भी आ जाता, पर नहीं मिला उसको रास्ता, मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म होने से मैग्नेटिक फोर्स लगनी बंद हो गई, तो उसने सर्कल में मूव करना बंद कर दिया और वो यहां से टेंजेंशियली सीधा चला गया। ठीक है, फील्ड खत्म हुआ, फोर्स खत्म हुआ, बस जहां गया वहां गया। पहला पॉइंट क्लियर है मेरा? पहला क्वेश्चन, यू बड़ा होगा कि वी बड़ा होगा बोलो, क्योंकि वी वैसे ही काइनेमेटिक्स में बड़ा होता है देखने में, यू छोटा होता है। पहला ऑप्शन नहीं, बाबू ऑप्शन में दे रहा हूं ना इसलिए। अच्छा हाँ, वही तो पूछ रहा हूं, तो सेकंड ऑप्शन बना देते हैं, क्योंकि वी फाइनल वेलोसिटी है, यू इनिशियल, एंड फाइनल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इनिशियल। नहीं, अच्छा चलो एक ऑप्शन बोलो, वो कहते हैं सेम होगा, कितने लोग बोलते हैं सेम होगी, सेम होगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है। 50 बार क्वेश्चन आया होगा कंपटीशन में, 50 बार अलग अलग तरीकों से, तो आंसर एक ही है, यू चेंज ही नहीं करना, तो इसीलिए अगर वो वी से एंटर कर रहा है, वी से एंटर कर रहा है तो वी से बाहर जाएगा, जो मर्जी कर ले, गड़बड़ नहीं करनी, वेलोसिटी सेम ही रखनी है, कोई डाउट इसमें? डायरेक्शन चेंज हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड से, राइट। नेक्स्ट, कुछ नहीं चेंज होती वेलोसिटी, डायरेक्शन चेंज, मैं कहता हूँ होती नहीं यार, थोड़ी सी कमाल, थोड़ी सी हो जाएगी फिर तो पूरी हो जाएगी, तो देखो नहीं होती, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसमें सिर्फ सेंट्रीपिटल की तरह काम करेगा और डायरेक्शन चेंज करेगा। नेक्स्ट सुनो, इंपॉर्टेंट है प्लीज, बात नहीं करनी, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा, बताओ ये पार्टिकल एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल से बाहर निकल गया, तो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल थीटा से ये बाहर निकल गया, थीटा निकालो, ये आएगा, बहुत बार आता है ये। तो एक ही स्टेप है, ध्यान से देख लो, आपने क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहां एक्ट करती है, टुवर्ड सेंटर, तो अगर ये पार्ट ऑफ सर्कल है, सेंटर कहीं आर्क का यहां जाके मिलेगा कहीं आपको, तो ये सेंटर है, तो आपने ना इसे ज्वाइन कर लेना है, तो ये आपको एक सेक्टर की तरह नजर आ रहा है, देख रहे हो सेक्टर बन गया, ठीक। फिर आपने क्या करना है, इसमें ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, ठीक। अब ये जो वेलोसिटी है वो रेडियस के साथ, क्योंकि वेलोसिटी टेंजेंट है, और टेंजेंट और रेडियस में एंगल क्या होता है 90, तो अगर ये थीटा, और वैसे भी इन दोनों में एंगल कितना है 90, तो ये बोलो कितना 90 माइनस थीटा, और इसमें इसमें भी एंगल 90, तो अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना थीटा, कोई डाउट इसमें? ये स्टेप क्लियर है यहां तक? तो ये अगर थीटा तो 90 माइनस थीटा, तो ये दोनों 90 डिग्री में, तो ये थीटा, ये दो लाइंस पैरेलल है, ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा बाय अल्टरनेट एंगल्स, थीटा आ गया। तो मेरे ख्याल से मेरी असाइनमेंट की ज्योमेट्री क्लियर है, थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा और थीटा। तो आज के बाद अगर आपको ये एंगल पूछेगा ना थीटा, तो यहां से कुछ नहीं निकलने वाला, यहां से निकलेगा, तो आपने ये ज्योमेट्री बार बार नहीं ड्रॉ करनी, शॉर्टकट लगाना है सीधा, अगर ये थीटा तो सेंटर में जाके एंगल भी क्या बनेगा थीटा, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक, निशांत क्लियर है? अब क्योंकि ये एंगल, ये जो डिस्टेंस है, ये कितना गिवन है डी, ये डिस्टेंस कितना है डी, तो आप इसमें ज्योमेट्री लगा सकते हो, साइन थीटा इज डी बाय आर, साइन थीटा डी बाय आर, क्योंकि रेडियस सर्कल में क्या होता है एम वी बाय बी क्यू, तो अगर किसी क्वेश्चन में डी पता होगा, एम वी बी क्यू सब पता होगा, साइन थीटा कैन बी कैलकुलेटेड एंड थीटा कैन बी कैलकुलेट, ऐसे आएगा आपका थीटा, कोई डाउट इसमें? थीटा कैसे आएगा, समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, कोई डाउट इसमें? ठीक, क्लियर है यहां तक? ठीक, तो ये जो मैं केस कर रहा हूं ना, इस केस में जहां मैग्नेटिक फील्ड है डी, ये आपके रेडियस से इसकी वैल्यू छोटी है,
आपको इसका मतलब क्या है, डी लेस देन आर का मतलब क्या है इसमें? डी लेस देन आर का मतलब ये है कि अगर डी ग्रेटर देन आर हो जाता ना, तो पार्टिकल कभी बाहर ना पाता, पार्टिकल सर्कल में घूम जाता। मैं दिखाता हूं कैसे। अगर डी ग्रेटर देन आर है, ये देखो ये डी है और ये आर है, ये आर है और ये डी है, डी बड़े आर से दिख रहा है, इस पार्टिकल को जगह मिल गई मैग्नेटिक फील्ड में घूमने के लिए, तो ये सर्कल बना गया। अगर ना मिलती, अगर डी छोटा हो जाता आर से, तो फिर ये सर्कल बना ना पाता और ये बाहर आ जाता। तो हमने जो पहला केस किया है, इमेजिन कर पा रहे हो डी लेस देन आर है, तो जब भी क्वेश्चन में डी मैग्नेटिक फील्ड रेडियस से कम होगा, तो समझो वो सर्कल बना ही नहीं पाएगा, वो सेक्टर बनाएगा और वो बाहर आ जाएगा। तो रूल नंबर वन क्लियर है, ठीक है यहां तक। और उसी तरीके से अगर डी ग्रेटर देन आर होगा, तो पार्टिकल एंटर करता है, ये देखो वी के साथ, पार्टिकल बाहर भी जाएगा वी के साथ। बना लो वी और वी, लिख लो यहां पे कि पार्टिकल की वेलोसिटी इसमें चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है, वेलोसिटी चेंज नहीं करता। ठीक है यहां तक पहला रूल क्लियर है। वी वेलोसिटी से एंटर करता है पार्टिकल, घूमेगा सर्कल में, सर्कल में जगह मिल गई ना, क्योंकि डी ग्रेटर देन आर है, सर्कल खत्म हो गया, बनाना तो पूरा सर्कल था, फील्ड ही खत्म हो गया, तो बाहर आ जाएगा। तो वी वेलोसिटी से जाएगा, वी वेलोसिटी से वापस आएगा। तो क्वेश्चन आएगा वेलोसिटी वेक्टर में एंगल क्या होगा, ये एंटर करने का वेलोसिटी का वेक्टर है और ये बाहर जाने का वेलोसिटी का वेक्टर है, तो एंगल क्या होगा इनमें 180। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो एंगल क्या होगा पाई। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, कोई कहता सर सर्कल में कब घूमता है, सेमी सर्कल में कब घूमता है, कंफ्यूजन नहीं हो जाती है? भाई उसको जगह दो, मैग्नेटिक फील्ड ही मैग्नेटिक फील्ड कर दो, क्या फर्क पड़ता है? वो बेचारा चाहता थोड़ा ना सेमी सर्कल में घूमना, वो तो सर्कल में घूमना चाहता है, वो तो फील्ड खत्म हो गया था। अगर आप यहां भी फील्ड ही फील्ड लगा दोगे, तो पार्टिकल को वी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, तो पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, जगह ही जगह उसके पास घूम रही है, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो सर्कल में घूमता जाएगा। पर ऊपर वाले केस में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड था ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस पोर्शन में यहां पे है ही नहीं, तो यहां पे सर्कल में घूमना उसने बंद कर दिया और सीधा चला गया। डिफरेंस समझ में आ रहा है? कोई डाउट इसमें? ठीक, तो केस नंबर थ्री भी क्लियर है। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में आपको क्वेश्चन आएगा कि सपोज कोई भी अगेन मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, मान लो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, और आपका पार्टिकल अगर इस एंगल पर अल्फा एंगल पर वी वेलोसिटी से एंटर करता है टेढ़ा, हमने अभी 90 डिग्री पे एंटर करवाया था ऊपर जब सेमी सर्कल बना था, जब सेमी सर्कल बना था तो आप चेक करो ये एंगल एंट्री का क्या था 90 और एग्जिट का क्या था 90। पर जरूरी थोड़ी ना है कि वो सीधा ही एंटर करेगा, वो टेढ़ा भी तो एंटर कर सकता है। अगर वो टेढ़ा एंटर कर गया, तो जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा इट विल स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कल, पर प्रॉब्लम ये है सर्कल खत्म हो जाएगा, तो फिर से वो बाहर वी वेलोसिटी से ही बाहर आएगा, तो वेलोसिटी में देयर इज नो चेंज। क्वेश्चन है कि ये वर्टिकल के साथ एंगल बताओ क्या होगा। तो एक शॉर्टकट है, सीधा रूल बताता हूं, जितने एंगल पर पार्टिकल को एंटर करवाया जाता है उतने ही एंगल पर पार्टिकल बाहर भी आ जाता है, एंगल चेंज ही नहीं होता कभी भी, सिमेट्री में होता है सब कुछ। ये अल्फा तो ये भी अल्फा होगा, क्यों? उसकी ज्योमेट्री देख लो। ऐसा इसलिए, इमेजिन करो एक पार्टिकल वी नॉट के साथ एंटर कर रहा है, उसने ये सर्कल बनाया, सर्कल खत्म हो गया क्योंकि फील्ड खत्म हो गया और वी नॉट से बाहर आ गया। ठीक, ये आर्क बन गया सर्कल का, आर्क का सेंटर कहां पर होगा? इस सर्कल जो भी बनेगा उसका सेंटर यहां कहीं होगा। तो आप एक काम करो, यहां से ज्वाइन करो, ये रेडियस क्या बन जाएगा आर, ये रेडियस क्या बन जाएगा आर एंड आर, तो ये परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर लो एक मिनट के लिए, और दो लाइंस पैरेलल ड्रॉ करो, एक ये वाली और एक ये वाली, ज्योमेट्री देखना ध्यान से। ये अल्फा है, ये और ये लाइन 90 डिग्री पे है, तो ये 90 माइनस अल्फा है। वेलोसिटी वेक्टर और रेडियस में एंगल क्या होता है 90, ये वेलोसिटी वेक्टर और ये रेडियस एंगल 90, तो ये 90, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा, ये अल्फा, तो अल्टरनेट एंगल से ये अल्फा, ये बिल्कुल सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, सिमेट्री है, तो ये अल्फा, तो ये भी अल्फा, ये अल्फा तो अल्टरनेट से ये भी अल्फा, ये अल्फा तो रेडियस और वेलोसिटी में एंगल 90 होता है, तो 90 माइनस अल्फा और ये भी अल्फा।
तो प्रूव हो गया कि अल्फा से आएगा, अल्फा से ही बाहर जाएगा, हालांकि आपको तो शॉर्टकट ही लगाना है, पर फिर भी अगर कल को कोई ज्योमेट्री यूज करनी पड़ जाए तो आपको ज्योमेट्री पता होनी चाहिए इसकी क्या ज्योमेट्री है। ये पूरी शीट ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत हेल्पफुल है और मैं कुछ ऑब्जेक्टिव आज आपको इसके बेस पे करके भी दिखाऊंगा। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? याद रहेगा रिजल्ट, लिख लिख के ज्योमेट्री बनाना, देख के नहीं समझ में आती, ठीक। तो यहां ना एक करेक्शन कर लो, इस रीजन में क्रॉस बनाओ मैग्नेटिक फील्ड, इस रीजन में, यहां नहीं सिर्फ यहां पे, यहां मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, क्रॉस बनाओ यहां पे, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ठीक। तो मेरे ख्याल से साफ पता लग रहा है, अगर पार्टिकल 90 डिग्री पे एंटर करेगा तो 90 डिग्री से ही बाहर आएगा। कोई डाउट इसमें? ठीक।